ध्यान देने योग्य जरूरी बातें, थोड़ा कीमती समय निकालकर जरूर सुने। नंबर एक, सूखा पुदीना शरीर पर रगड़ लेने से शरीर के दाग खत्म हो जाते हैं। नंबर दो, सलाद का इस्तेमाल दोपहर के खाने में करना मौसमी बीमारियों से महफूज रखता है। नंबर तीन, औरतें प्रेगनेंसी में केले का सेवन जरूर करें, इससे बच्चे की हड्डियां मजबूत होती हैं। नंबर चार, रोटी दूध में डुबोकर खा लेने से बीमारियां दूर रहती हैं और चमड़ी बूढ़ी भी नहीं होती है। नंबर पाँच, चावल का पानी बालों पर लगाने से बाल लंबे होते हैं। नंबर छः, अनार के दाने खाने से शरीर में चर्बी पिघलने लगती है। नंबर सात, कमजोर हाजमा वाले लोगों के लिए केला बहुत नुकसानदेह है। नंबर आठ, कब्ज की समस्या है तो मक्खन में जीरा डालकर खाओ, कब्ज खुल जाएगी। नंबर नौ, अगर काम करते समय नींद या सुस्ती आने लगे तो अदरक का वाला पानी पिए। नंबर दस, पनीर खाने से हमारी याददाश्त और एकाग्रता में विकास होता है। पनीर में पाए जाने वाले विटामिन बी मेमोरी को तेज करने में मदद करता है। नंबर ग्यारह, सफ़ेद जीरे के सेवन से कैंसर का खतरा कम होता है और दिल के लिए ये बहुत फायदेमंद होता है। नंबर बारह, बालों में कच्चे नारियल का तेल लगाने से बाल मजबूत होते हैं, घने और चमकदार होते हैं। नंबर तेरह, ज़्यादा से ज़्यादा मीठी नीम की कड़ी पत्ता अपनी सब्जियों में शामिल करें, यह बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। नंबर चौदह, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ लोहे की कढ़ाई में ही बनाएं, इससे आयरन की कमी नहीं होगी। नंबर पंद्रह, भोजन के समय निश्चित करें, इससे पेट ठीक रहेगा। जो भोजन करने के बीच में बातें नहीं करने चाहिए, भोजन ज़्यादा पोषण देगा। नंबर सोलह, सुबह के खाने के साथ साथ देसी गाय के ताज़ा दूध से बना दही ले और पेट ठीक करेगा। नंबर सत्रह, यदि खीरे का इस्तेमाल सलाद के रूप में किया जाए तो प्रोटीन को पचने में बहुत लाभदायक साबित होता है। नंबर अठारह, दाल रोटी का सेवन करने से इंसान बहुत कम बीमार पड़ता है। नंबर उन्नीस, आप वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो आप रोज़ाना केले खाएं, इससे आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा। नंबर बीस, यदि आपकी पेट मोटापे की तरफ बढ़ रहा है तो चीनी, सफ़ेद चावल और मैदे से बनी हुई चीज़ों का सेवन ना करें। नंबर 21, बाबा रामदेव के नुस्खे, सफ़ेद बाल काले करने के लिए नहाने के से कुछ देर पहले प्याज का पेस्ट सिर पर लगाएं। नंबर 22, डायबिटीज़ का घरेलू इलाज में करेले का जूस, जामुन के पत्ते और मेथी के दाने काफ़ी उपयोगी होते हैं। नंबर 23, व्हीट ग्रास जूस, जिसे हम सफाई करा गेहूँ का ज्वार भी कहते हैं, कैंसर के बचाव के लिए ये उपचार काफ़ी फायदेमंद होते हैं, आयुर्वेदिक नुस्खे में बताया गया है। नंबर 24, मुंह से सांस की बदबू आने पर नीम, किरकिर या बबूल की दातुन से दांत और मसूड़ों की सफाई जरूर करें। नंबर 25, पेट में कीड़े होने पर लस्सी में अजवाइन का चूर्ण मिलाकर पिए, इससे पेट के कीड़े मर जाएंगे। नंबर 26, लौकी को सुखाकर नारियल के तेल में उबाल लें, फिर इस तेल को छानकर बोतल में भर लें। तेल की मसाज करने से सफ़ेद बाल भी काले होने लगते हैं। नंबर 27, जोड़ों का दर्द दूर करने के लिए लहसुन के तेल में हींग और अजवाइन मिलाकर पका लें और जोड़ों की मालिश जरूर करें, इससे दर्द काफ़ी हद तक ठीक होता है। नंबर 28, फोड़े और फुंसी के इलाज के लिए अजवाइन पीस कर उसमें नींबू का रस मिलाकर लगाएं, इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। नंबर 29, सिर के दर्द की से जल्दी राहत पाने के लिए खाली पेट सुबह थोड़ा सा नमक सेब पर लगाकर जरूर खाएं, इससे सिर दर्द की समस्या खत्म होती है। नंबर 30, दांत का दर्द प्राकृतिक तरीके से दूर करने के लिए एक टुकड़ा अदरक का जरूर चबाएं। नंबर 31, नाक में कीड़े वगैरह चले जाए तो उंगली पर गुलाब का अर्क लगाकर नाक में डाल दीजिए, कीड़ा निकल जाएगा। नंबर 32, सरसों का तेल बालों पर जल्दी सफ़ेद होने से रोकता है, जल्दी सफ़ेद नहीं होते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही मैं बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने और अपना परिवार का ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।